अचानक से मुझे उठाया गया हाथी नाला वाटरफॉल जाने के लिए। या हाथी नाला जा रहे कहाँ जा रहे पता नहीं। और बाहर भीड़ लगी है, इंतजार कर रहे हैं सब लोग। और मम्मी कह रही दो रोटी तो खा जा बेटा, तो मैं अभी दो रोटी खाने वाला हूँ, उसमें हम लोग निकलेंगे। किसका इंतजार हो रहा है? आ गए सब? चाय बनेगी मम्मी? अरे मजाक कर रहा हूँ ना, चाय। निकलने से पहले डलवाने चाहिए ना यार पेट्रोल। अरे फिर शर्मा जी पेट्रोल पंप कैसे आगे बताओ। हाँ पहुंच गए भैया नदी वाले अपना। वो है वो जा रहा है, वो छोटा सा वो जा रहा है। धूप आ रही यार बहुत तेज, आधे में धूप है आधे में छाए। आई गई धूप अपने भी। उड़े खुले आसमान में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। लगता है अब है जागे हम, फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो हो। आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहां। Same.
things we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all, and the bloods run stale. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we greet, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. बहुत ही ज्यादा भीड़, इतने ज्यादा लोग हैं ना, कम से कम 500,000 लोग होंगे आराम से। आराम से भैया, आराम से। कहाँ पीछे रहेगा, जल्दी आओ दादा। बहुत भीड़ है, करने की जगह नहीं है, जल्दी आओ। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा। दो रहेगा, ये दो गाड़ियां भी दो। फिर आएगा हूँ एक अरे जे भी आगे बिना बताए भैया उतर जाओ गाड़ी से, पीले चावल डलवाए है। जे का जे कौन बैठो, शर्मा का रहे जे, तो तुम फिर बिन बताए, मैंने बताया नहीं, तुम्हें मैसेज करो अभी, देखो परसों ही आओ, तीन बार, हाँ तीन बार फोन लगाओ तो। अरे क्या भैया, आना बे वैभव मनोज लोग आई, उसने देखो तुम्हें बेबी आ रहे हैं, भैया के ऑफिस वाले लोग हैं। हाँ आबिद मिल गया फिर से, जहाँ जाते वहीं पाते, बेटा घड़ी टूट जाए तुम्हारी। हाँ तो भाई हर कोई पहचान का मिल रहा है यार, हर कोई पहचान का मिल रहा है। जी देखो, और मेरे भाई जान कल नहीं आ पाए पर आज यहाँ पर, कल का नहीं आया भैया आप। हाँ सारे भाई यहीं से तैयार हो गए हैं डुबकी लगाने के। चट्टी में जा रहा हूँ यार। लोगों ने तो भाई हिल स्टेशन बना दिया है जगह को, देखो पीछे हाथी नाला। आप तो नाम कैसे आ रहे हैं, जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं। सबके मम्मी पापा का नंबर दो हमें, तब बताते हैं हम। शर्मा जी सागवान पे अवैध रूप से जब्त कर लिया इनने। देखो भैया ज्यादा चौड़ी टांगे नहीं, ज्यादा चौड़ी टांगे पिछले जन्म के बंदरा।
भाई यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, अभी एकदम शानदार माहौल है। और हम लोग अभी चढ़ाई करना शुरू नहीं किया है, काफ़ी दूर है यहाँ से कम 500 मीटर लगभग पत्थरों पे चल के वहाँ पहुँचना पड़ेगा। और बाकी सब बंदर बने हैं, कोई क्लाइंबिंग कर रहा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा, सब मुहूर्त निकाल रहे हैं कि कब जाएंगे ऊपर। कैसा लग रहा भैया इधर आके? मेरे को अनुभूति तो बहुत अच्छी हो रही है, पर क्या थोड़ा सा ये धूम्रपान के कारण मुझको थोड़ा, अरे सब नहीं बताना था। देखिए यहाँ से इतनी दूर ऐसी आवाज आ रही है जैसे वो बम्बई का हवाई झूला प्रदर्शनी वाला लगा हुआ, आदमी कूद रहा है। अच्छा यहाँ पर क्यों भैया क्या लगता डर से आदमी शहर छोड़ के जंगलों की ओर पलायन करते हुए इस समय बिना मास्क के सभी लोग को देखा जा रहा है यहाँ पर, सब अपनी अपनी चड्डियाँ सिर पे लगाकर धूप में सुखा रहे हैं। हमारे नगर पालिका वाले राय साहब आ रहे हैं। नगर पालिका वाले राय साहब, अरे बहुत सही। अरे वो रहा झरना, वहाँ जाना है हम लोग को। कपिल भैया हाय, भैया कहाँ से जाने हैं? पानी के दर्शन हो गए। जय हो माई की जो ही है भैया, वापस हो लो। हमरी कौन बने हैं यार, पकड़ो चालू करें। आवाज लगाओ, आवाज और तेज। चलो दादा चलो, अरे का दिनेश भैया कैसा लग रहा है? ए लंडे
निशान हो चुकी है, ये देखो। नहा लिया है और घर जाने की तैयारी चल रही। इनने चोट खा ली है, चोट देखो, चोट पैंट पहन लिया है। ओ भाई साहब, यहाँ लोग सही बोल रहे हैं, बी फॉल से ज्यादा अच्छा है पचमढ़ी के। लगी है बहुत तेज यहाँ पे, सही में अच्छा माहौल है कि वी फॉल से ज़्यादा मज़ा आ रहा है सच में। और हाँ, मैं वी फॉल गया हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो लोग वी फॉल नहीं गए हैं वो कुछ ना बोले और जो गए हैं वो गाली ना बके। चल देखो, वो देखो भाई, पूरे खेत ही खेत, पहाड़ ही पहाड़, शानदार जबरदस्त, जिंदाबाद। लगभग शाम हो चुकी है, 5:30 बज रहा है और सभी लोग आगे जा चुके हैं, ये सब हम चार लोग बचे हैं, भाई के दो दोस्त और मैं, बाकी ऑफिस वाले सारे लोग पहले ही चले गए नीचे खाने पीने की व्यवस्था देखने। और इनमें से एक को, एक ने अपने पैर में कुछ मार भी लिया, यहाँ बहुत ही नुकीले पत्थर हैं, आपके कहीं भी लग सकते हैं और कहीं भी घुस सकते हैं। दोनों साइड पहाड़ हैं और एक साइड से खुला हुआ है, तो जहाँ से हम लोग आए थे। पुलिस आ गई, सटने गिरा लें खड़ा, उन्हें बस मिल रही फ्री में सजा सजा। चलो जो तो है, दिनेश भाई आज चाय पिलवा दे ना, मजा आ जाए। सही में बिपलवाद है, चलो पे पता ही पुलिस वाले हैं तो काय को डर।